नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? सो आपको पता ही है, कोविड दोबारा से थर्ड वेव है, फोर्थ वेव है, पता नहीं, इतने सारे केसेस आ रहे हैं इंडिया में। एंड जब लॉकडाउन की सिचुएशन है, लॉकडाउन वीकेंड्स में लग भी रहा है यहाँ पर, एंड जब कोविड वगैरह होता है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई मार खाता है तो वो है माइग्रेंट लेबर्स, डेली वेजेस वर्कर, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो रोज़ कमाते हैं तभी उनके घर में चूल्हा जलता है, खाना बनता है, तो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हमको डेली इतनी रिक्वेस्ट आ रही है लोगों की कि मैं क्या बताऊं आपको। तो वैसे ही एक गांव, एक स्लम है पूरा, वहां से आज मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मतलब खाने पीने की उनको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम लोगों ने रात ही को ऑर्डर दे दिया। अभी सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग निकल रहे हैं। ऑलमोस्ट 70 फैमिलीज के लिए आज हम लोग राशन पैक करवा रखा है हम लोगों ने, पूरे महीने का आटा चावल तेल दाल नमक सारा आइटम्स जो होता है, एंड साथ में उन सभी के लिए, क्योंकि ठंड है तो एक एक ब्लैंकेट डबल बेड का, सो दैट पूरी फैमिली कवर हो जाए उसमें। तो राशन एंड ब्लैंकेट पूरी 70 फैमिलीज के लिए हम लोगों ने पैक करवा दिया है, तो चलते हैं। एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द स्पॉन्सर्स इसके लिए, सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स को, काफी लंबी लिस्ट है तो मैं वॉइस ओवर बता पाऊंगा बिकॉज इतने सारे नाम मैं खुद भी भूल गया हूँ, तो बट थैंक यू सो मच जेन्युइनली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो इसमें से 70 राशन एंड ब्लैंकेट का जो पेयर है मोस्टली हमारे टिबेटन भाई बहनों की तरफ से है, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। तो मैं एक बार सभी के नाम बता देता हूँ। 7 पेयर इज फ्रॉम टेंजिन चोयाब ताशी कुंसाल एंड रिंडोरजी फैमिली। 11 पेयर इज फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल, केलसांग यूडॉन यांगजोम टेंचोय मेरी पालमो डोरजी सांगमो। 11 पेयर इज फ्रॉम जमयांग एंड फुनसॉक फ्रॉम न्यूयॉर्क। 5 पेयर इज फ्रॉम अ डॉटर फ्रॉम हर मदर यांगजोम एंड सिंगे their beloved Shizu in his happy birthday. 7 pair is from Nima the top and Gershon Wangyal family from Toronto, Canada. 11 pair is from Ama Karma Choidon and her respective sons Nawang and Tashi and their respective family. 4 pair is from Sonja Rajdesh and Arvind Sevtahal Holland. 6 pair is from Shirab Lamo, a Tibetan guy from New York. 8 pair is from a son in memory of his parents, Madan Lal and Meena Devi Jang. So thank you so much to all of you, aapke kind support ke liye, and aapki wajah se 70 families ke ghar mein ration and blanket jayega. So God bless you all. जी, नमस्ते जी। चलें फिर जी। चलो फिर। ऑलमोस्ट हम लोग स्लम में पहुंच गए हैं, यहाँ से अंदर जाके काफी रास्ते देखिए, बारिश कीचड़ इतना ज्यादा है कि पूछो मत आप, इतना ग्राउंड लेवल इतना कीचड़ है कि यहाँ वैसे भी कोई आता ही नहीं है, जो रहने वाले लोग हैं इतना ज्यादा परेशान है क्योंकि इतना डीप में वैसे भी कौन है, इतना कीचड़ है बारिश के बाद, तो गाड़ी जाने में ही हालत खराब हो गई है। तो वहाँ पहुँचने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता। बने रहे, मिलते हैं उन लोगों से और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर फिलहाल फंस गए हैं। तो नेताजी, क्या दिक्कत आ रही थी यहाँ पे लोगों को? यहाँ बहुत दिक्कत है लोगों की, जो भी मतलब टूट गया, बुजुर्ग लोग का है, बड़ी दिक्कत समस्या आ रहा है, हमें मालूम पहुँच गए हैं, अब लोगों से बात करेंगे क्या परेशानी है, के बाद वितरण किया जाएगा, वितरण। चलिए बातचीत करते हैं। ये देखिए, एकदम झोपड़ी में रहते हैं यहाँ पे काफी सारे लोग। आइए माता जी, आराम से आइए, आ रहे हैं सारे गांव के लोग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, काफी सारे हैं बुजुर्ग यहाँ पे। ये देखिए सारे, टाइम है जी, ठंड का टाइम है, कंबल फंबल नहीं है, राशन पानी नहीं है, लॉकडाउन लग गया है जी, और काम धंधा भी नहीं है जी, कुछ क्या करते हैं आप लोग? मजबूरी करते हैं जी, मजबूरी करते हैं, लगने रही है इस टाइम पे काम। अच्छा, हाँ जी, कितने लोग हैं यहाँ पे कम से कम? मतलब कम से कम होंगे करके 50-60 आदमी, 60-70 है पूरी, यहाँ पूरे गाँव में स्लम में, तो सब लोग आ गए, काफी बुजुर्ग बुजुर्ग लोग भी है जी। माता जी, भाई यही बात है, यही सब ही रहते हैं, गरीब मजूरी, कोई भैंस रखे, कोई खेत में करे, कोई हम पे तो कछु है ना रो बेटे, अब हम तो जी बैठे जी। हमारे बस की तो है ना कछु करना। जी जी जी, सही बात है, घुटन में दर्द, कमर में दर्द, जी जी, सब परेशान है यहाँ पे, है
बहुत परेशानी चल रही है भैया, जागर दो साल से परेशानी परेशानी, ना मजदूरी मिल रही है ना कुछ हो रहा है। अच्छा, क्या करे, सब भूखे मरे हर नंगे मरे दो साल से कोरोना से। तो कोई यहाँ पे आता नहीं है देने कुछ मदद करने? कुछ कम्बल अम्बल कुछ आया है? यहाँ नहीं आता मतलब? चलो, राशन पानी की दिक्कत आ रही ना आपको? कम्बल अम्बल तो यहाँ पे सारे ही जमा हो गए ऑलमोस्ट। जंगल भर है, सारी दिक्कत है हमें। हाँ? पानी भरो, ठाणो करो, रुके गाड़ी। अच्छा, अभी तो बारिश का मौसम भी है, तो बारिश से क्या दिक्कत आ रही है फिर? भाई पानी कहीं निकलता नहीं है, दरवाजा पर खड़ा रहता है। कैसे आप लोग रहते हो फिर झुग्गी में? पानी बरस रहा है सामने, पानी भरा हुआ है चारों तरफ, पत्थर लगे हुए। हाँ, ये सामने पूरा कीचड़ विचड़ हो गया है घर के बाहर। जाके देखो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, गिरते पड़ते, पूरा कीचड़, बच्चे परेशान हैं। और क्या, पैसा ही होगा अपने पास, अमीर ही हो मैं तो फिर कहीं कोठी में ना रह जाते। सही बात, कहाँ से दिन पानी। सही बात है, ऐसा हो तो जगह खरीद ले, कुछ है ही ना तो बीमारी है। पैसा पैसा है तो दिखा लो डॉक्टर के, नहीं तो मर जाओ परे रहो, घर में परे रहो, बीमार मरो। चादी जब से लॉकडाउन लगा शुरू से सबसे ज्यादा परेशान, काम धंधा है ना, पहले ऐसी खेत में तो मजदूरी मिल जाती थी, कल लाते थे पहले। अब मजदूरी वो भी नहीं हो रहा, खेत भी गए नहीं चलेगा। कोठी में जाते तो कोठी भी जाने ना देती है, मना कर देती है बीमारी को मारे। अच्छा, जहाँ कोठी में काम करने जाते थे वो भी मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं जीना जीना करके अपने करो, 1000 रुपया का तो 200-400 रुपया में बंद कर देते हैं। कहते नहीं ऊपर मत चढ़ो तो घर में मत जाओ, यही कर 200-400 रुपया महीने में गुजारा हो रहा है बच्चों का। सही बात है, चलो ठीक है। यहाँ पे आए थे, हमको बताया था, तो 60-70 लोग है ना यहाँ पे। ठीक है, करवाते हैं आपको इंतजाम। तो देखा आपने कितना परेशान है यार लोग, मतलब लॉकडाउन की सिचुएशन है दोबारा से, इतने बुजुर्ग बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे, देखा ही नहीं जाता, क्या बोलें। खैर, हम तो रिक्वेस्ट आई थी कि ये लोग बहुत परेशान हैं, चलिए करवाते हैं इनके लिए इंतज़ाम। एंड हम लोगों ने ऑलरेडी लाइक ट्रक में लोड करवा दिया है, वो सॉरी ट्रैक्टर में लोड करवा दिया है, वो बस लोड होकर यहाँ पहुँच रहा है, क्योंकि घर घर जा पाना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 70 लोग हैं, प्लस कीचड़ वीचड़ भी है, तो एक ही जगह पर हम लोग लाइन लगा देंगे सभी लोगों की, एंड लाइन से एक एक परिवार से एक एक आदमी को बिठा के वहीं दे देंगे। आ रहा है सामान, आ जाए फिर बांटना शुरू करते हैं। एक घर से ना एक आदमी को बिठा के, ये जिम्मेदारी इसको आपकी जिम्मेदारी है ये, क्योंकि आप यहाँ पे सब कुछ जानते हो। अभी भी 1.5 घंटा हो गया, स्टिल वेटिंग, क्योंकि रास्ते इतने खराब हैं, जो ट्रैक्टर हमारा राशन कंबल लेके आ रहा है अभी भी रास्ते में, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया मैं बैठे बैठे वेट करते हुए। एक बार आ जाए उसके बाद बांटना स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आफ्टर कपल ऑफ आवर्स आवर ट्रैक्टर इज हेयर, सारा माल इसमें लोडेड है, चलिए इसको अनलोड करवाते हैं एंड फिर यहीं पे लाइन लगवा के बंटवा देंगे। तो ये देख सकते हैं, ये पूरे 70 राशन हैं, 70 ब्लैंकेट्स हैं इसमें पूरे लोडेड, और मैं चला हूँ इस टाइम ट्रैक्टर में शॉट दिखाने के लिए। भैया इसको पकड़ना ऊपर से ऐसे दिखाना तो अरे अब कैमरा में तो देखो कि दिख रहा है कि नहीं। अरे भैया जी गिर मत जाना, भैया जी की वीडियोग्राफी थी। हर घर से एक एक जो यहाँ के लोकल हैं बता रहे हैं, लग रही है यहाँ पे लाइन लंबी एंड तक, वहाँ तक पीछे तक, एंड इस प्रोसेस में भी कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो ये सारे डबल उतर चुके हैं हमारे डबल बेड कंबल, चलिए इसको आगे रखते हैं पहले सबके। चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, पहले कंबल रख देंगे सबके आगे फिर राशन लाएंगे।
तो कंबल सभी लोगों को बट गए, हम लोग राशन अनलोड करवा रहे हैं। लगे हुए हैं कम से कम 10-15 लोग। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट जो बिहाइंड द सीन जाता है एक इवेंट पे, एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने में, लेकिन आई एम ग्लैड कितने सारे लोगों का हम लोग मिलके भला कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल द स्पॉन्सर्स। चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन एक ही करके सबको, वहाँ से अनलोड हो रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ से फिर लोगों के पास जा रहा है। चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन एक बार सबको दे दे, फिर दिखाता हूँ आपको मैं। ओ भाई साहब, ठंडी में गर्मी का एहसास, पूरा पसीना पसीना हो गए। दादी जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। एक्सरसाइज, इससे खतरनाक जिम, इससे खतरनाक कार्डियो कुछ हो सकता है? कोई जिम नहीं, सब फेल है। सब फेल है इसके आगे, सब फेल है इसके आगे, सब फेल है। और टीम संदीप भट्ट के आगे भी सब फेल है, FYI। तो इसमें ना आटा, चावल, तेल, दाल, चीनी, नमक, चाय पत्ती, एक जो घर की जरूरत होती है वो सब है इसमें, ठीक है? ये विदेश से बहन उन लोगों ने भिजवाया, भगवान उनके बाल बच्चे बने रहे, उनको भगवान साथा, हमको इतना दिया उनको बहुत सा दे रहा भगवान। खुश राखो, खूब तार बेटी बेटा, खूब जवान हो मैं, बूढ़े हो मैं। हो गया 70 लोगों को, और इसी के साथ 70 लोगों को पूरा राशन एंड डबल बेड का ब्लैंकेट मिल चुका है। ले जाओ ले जाओ, और इसी के सबको मिल गया है। अब सब यहाँ से नमस्कार बेटा, खुश रहो। खूब खुश रहो, बहुत भगवान तुमको आगे मदद करिए, छोटे बड़े भर रहो, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। ओ ये देख सकती है सब, सब लोग अपने अपने घर लेके अब राशन और कंबल जा, झुग्गी झोपड़ी का तुमको बहुत भगवान आगे करेंगे, बस ये आशीर्वाद भी चाहिए। छोटे बड़े सब खूब खुश रहो, चलिए बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ ये देख सकते हैं सभी लोग अपने अपने झुग्गियों में अब राशन और कंबल लेके विदा हो रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ क्या कहना चाहते नेता जी? हाँ बोलने के ओ आवाज नहीं निकल रही है, सांस फूल गई, सांस फूल गई है। तो सब राशन एंड कंबल के साथ अपने घर में पलायन कर रहे हैं, एटलीस्ट किसी के घर में अनाज चला गया। अन्नदान तो वैसे भी सबसे बड़े दानों में से, और जो ठंडी का वेदर, दिल्ली की सर्दी, खैर हमको पसीना इसलिए आ गया लेकिन क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा लगी है, पर सर्दी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। बट ये है कि 70 घरों में राशन गया, 70 घरों में कंबल गया, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द स्पॉन्सर्स, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से हमारा कि आपकी वजह से इतने सारे घरों में अनाज गया है। आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिले, ऐसे मिल बांट के हम लोग खुशियां बांटते रहे, इस मुसीबत के वक्त में किसी के काम आ सके, इससे बड़ी बात और क्या है। चलिए नेताजी घर चले, अब घर चले हम, जैसे स्कूल में था स्कूल चले हम, अब घर चले हम। और भी तो है इधर नाम लिखे, कितने लोग रह गए यहाँ पे? और दोबारा 50-60 लोग और रह गए। चलो ठीक है, करवाते हैं आप लोगों को भी, इनकी भी लिस्ट बन रही है, 50-60 लोग और रह गए यहाँ पे अभी। तो जस्ट हम लोग निकल ही रहे थे यहाँ पे तो पता चला है कि पीछे के स्लम में 50-60 लोग और रह गए। हो कोविड है, पूरा परेशान है सारे के सारे कि हमारे लिए भी कराओ, हमारे लिए भी कराओ। बट आप समझ सकते हैं एक आम आदमी के लिए मतलब कितना मुश्किल है, मतलब इतने सारे लोगों का करना, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। मैं मतलब ना तो निकलता ही नहीं मुँह से, इन लोगों ने बोला कि हमारे लिए भी करवाना, पता नहीं हाँ बोल दिया कि ठीक है करेंगे कोशिश आपके लिए भी, देखते हैं इन लोगों के लिए भी कोशिश करते हैं।